सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है यार आप सभी का, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा सेकेंड डे ओडिशा में और हम लोगों ने सारा पैकिंग वगैरह कर लिया। अभी हम लोग को फ्लैट छोड़ना है, मतलब अभी बज रहे हैं 10:11 हो रहे हैं, हमें 11 बजे फ्लैट से निकलना है। हम लोगों ने सारा चीज़ अपना पैक कर लिया है, बेड वगैरह जो था वो सारा चीज़ जमा लिया है। पीछे सौरभ बैठा है अंदर, फ़ोन चार्ज कर रहा है, फ़ोन वगैरह सब चार्ज कर रहे हैं। अपन नहा धो के अपन एकदम फ्रेश रेडी हो गए हैं। देखते हैं इसके बाद हमारा आगे का क्या प्लान है। वैसे सोच रहे हैं हम लोग कि कहीं कॉफ़ी पीने निकल जाए सुबह सुबह, और हमारी शाम की 5 बजे की ट्रेन है, हम लोगों ने ट्रेन कराया। वैसे हमारा मन तो बस से जाने का था। ISO फिर से दिक्कत कर रहा है। वैसे हमारा मन तो बस से जाने का कर रहा था, बट हम लोगों ने सोचा कि आराम से जाएंगे, वैसे भी बहुत थक चुके हैं इतना घूम के। तो अपन लोगों ने करा लिया है ट्रेन का टिकट। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा तो भैया जाके पहले वो वाला ब्लॉग देखो ओडिशा का, उसके बाद आके ये वाला ब्लॉग देखना क्यों। और भाई भी वीडियो डालेगा तो इसका भी मैं डाल दूंगा अगर ये बोले तो, क्योंकि अभी ये पब्लिक नहीं कर रहा है। वैसे 2-3 ब्लॉग के बाद पब्लिक कर देगा सारा चीज़, तो इसका भी डाल दूंगा, इसका भी जाके चेक कर लेना। और हाँ, यहाँ का मैं जो नाइट लाइफ का भी मैंने बनाया वीडियो, तो उसको भी आप लोग चेक कर लेना एक बार, ओके। और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, तो मिलता हूँ आप लोगों से बाहर जब हम लोग कॉफ़ी वगैरह कहीं पीने जाते हैं, ओके। तो अपने चेकआउट कर लिया है फ्लैट से, बाहर जाते हैं। हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया है, टैक्सी आ रहा है। और भाई अपन तो पूरे मतलब ट्रैवलर लगे हैं, तो चलो अभी वेट करते हैं टैक्सी का, देन विल सी। मैसेज था पोस्टले प्याज मैसेज था ना दा इंडिया तो अपनी टैक्सी आ गई। अपन अभी बात कर रहे हैं भैया इनसे, और ये सब पूछ रहे हैं कि कितने दिनों से आप ब्लॉग बना रहे हो, ये वो तो बताया है अपन ने। हां ओके 50, तो भाई टैक्सी के यहाँ पर 50 गेवन लगे अपने, चलते हैं। खरशो पसीबा बलसोए खरशो नया पका पका, लेट्स गो गाइस। तो अपन आ गए हैं अभी अरोमा कावा और कॉफ़ी वॉफी पीते हैं, लेट्स गो चले। चलो कॉफ़ी वॉफी पीते हैं। और यार वाइब तो भाई आज का मौसम देख लो, कल बारिश हो रहा था अपना, और बारिश भी अचानक कभी भी आ जा रहा था। आज का मौसम जो है वो काफ़ी सनी लग रहा है, गर्मी यहाँ पर नॉर्मल ही है। अभी आप लोग को टेम्परेचर बता दिया है, टेम्परेचर हो रहा है अभी 25 डिग्री। अपने को यहाँ रहते हुए थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है, बाकी इंडिया जाएंगे तो यार पता नहीं अपना कैसा काम चलेगा, 40-45 डिग्री रहता है उधर, यहाँ अपने को 25 डिग्री में गर्मी लग रही है। तो भाई हम अपने आ गए हैं फेवरेट अरोमा कावा में, जैसा कि आप सभी लोग को बताया। तो अपन अभी लेते हैं मोलोचनी शोकोलाद और बस बाहर बैठ के अपन इन्जॉय करेंगे। बाहर बैठना है, अंदर बाहर बैठेंगे, अंदर बहुत जगह है, यहाँ बैठते बैठना। तो यार अपना प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी अपन गए थे इधर सिल्पो वगैरह गए थे, यहाँ पर जो भी रेडी टू ईट फूड मिलते हैं जितने अपने, तो वहाँ पर अपने को कुछ खास मिला नहीं। और टाइम भी हो रहा है अभी 12 बजने वाले हैं, तो हम लोग सोचे कि सीधा लंच कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो अपन ने वहाँ कॉल किया, पूछा ओपन है या नहीं, तो अभी अपन लोग वहीं जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, तो खाना ही खा लेते हैं अब सीधा, ठीक है। चलते हैं फिर और मिलता हूँ आप लोगों से सीधे रेस्टोरेंट पे, दिखाते हैं आपको। यार अभी अपन लोग आ चुके हैं, मतलब ये एरिया तो अपने को पता नहीं, पर यहाँ से 500 मीटर पे है अपना इंडियन रेस्टोरेंट। बस लेके अपन आ गए थे यहाँ पर, पीछे उतर गए हैं, तो चलते हैं अभी 500 मीटर पे अपना रेस्टोरेंट है, जाके देखते हैं क्या है मेन्यू, देन फिर ऑर्डर देते हैं और दिखाते हैं। भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है। वैसे पता है हम लोग को अभी टाइम हो गया है 12:20, तो 20 मिनट हम लोग को लग गए वहाँ से इधर आने में। ओडिशा वैसे थोड़ा बड़ा सिटी है, और बड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी बड़ा सिटी है ओडिशा।
अच्छा यार, ओडिशा में अगर जैसे आप लोगों को इंडियन कुछ खाना है अपना, तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। आप लोग डायरेक्ट सर्च कर लो उस पर गूगल पे, तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाना। बाकी मुझे दो रिकमेंडेशन मिला था कि करी हाउस और एक होटल लंदन है, वहाँ जाके ज़रूर ट्राई करना। तो एज़ पर रिकमेंडेशन हम लोग भी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। एक्सपेक्टेशन पता नहीं, जैसे जैसा मिलेगा सर देखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो बताऊँगा आप लोगों को, और अगर बुरा लगेगा तो भी बताऊँगा आप लोगों को। बिकॉज़ जो सच है वही बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो, ओडिशा के मज़े लो अपने घर में बैठे बैठे, और आप लोग भी कुछ ले आओ खाने पीने के लिए, क्योंकि आई थिंक बहुत ही लजीज चीज़ें आप लोगों को दिखने वाली हैं। तो मुंह में पानी आ जाएगा। बाकी सीन तो सब सही है यार। वैसे आज गर्मी बहुत है, और ये बैग टांगने से मतलब पूरा स्वेटिंग हो रहा है। पीछे ग्रीन लाइट भी है, बढ़िया। चलो तो बढ़िया यार, गर्मी में सारे लोग बाहर बैठ के अपने मस्ती करते हैं। ये शायद स्कूल के लोग हैं, स्कूल के लोग जा रहे हैं। बाहर बैठो अपना, बढ़िया एंजॉय करो सारा चीज़। और इधर इसका कैफ़े है। यहाँ गर्मियों में अक्सर यही सीन होता है कि बाहर लग जाते हैं अपने, बाहर बैठ के एंजॉय करो। सो गाइस, वी आर एट करी हाउस, और बाहर का आप लोग माहौल देख लो। बाहर भी बैठ सकते हैं अपन। सो ये इसका एंट्रेंस है। चलो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। रस्ते ग्रेट। तो यार अपन है अभी करी हाउस इंडियन रेस्टोरेंट पे, और यहाँ का व्यू आप लोगों को मिलता है। ये देखिए भाई, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, बट अभी खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक्चुअली सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, बट अपन अंदर बैठे हैं। ये है यहाँ का भैया मेन्यू। मेन्यू तो वैसे मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एपेटाइज़र से लेके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम लोगों ने कर दिया है ऑर्डर, और बस वेट कर रहे आने का। आने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो यार हम लोगों ने खाना मंगा लिया है। खाना मंगाया था हम लोगों ने, दो लच्छा पराठा, नान है अपना, कढ़ाई पनीर है, और दाल मखानी और जीरा राइस है। भूख बहुत तेज लग रहा है, तो अपन थोड़ा सा एक बाइट लेके आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद अपन मिलेंगे सीधा फिनिश करने के बाद। पराठा बहुत ही बढ़िया है, और भाई इतना फास्ट हुआ है ना, विद इन 5 मिनट के अंदर सारा खाना आ गया। टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ये सब फिनिश करते हैं, और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई खाना ख़त्म कर लिया हमने, खाना बड़ा अच्छा टेस्टी था। भाई नींद आ रही है। राहुल भाई को देखो, कैसा लगा भाई खाना? खाने का अच्छा था भाई। ज़्यादा ही खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया भाई, कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया अपने। यार अपना खाना वाना हो गया है, अपन चलते हैं अभी यहाँ से। बाय बाय। चलो भैया, चलो। बहुत ज़्यादा खाना पीना हो गया, अभी अपने को चल चल के घूमना पड़ेगा, वरना खाना पचेगा नहीं, पेट दुखेगा। सो लेट्स गो, चलिए चलते।